Hey guys, welcome to my YouTube channel मनीषा रानी #1piece। बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि आप लोग भी देख रहे हैं कि हम ओरिजिनल कंटेंट पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, जो कि हम खुद भी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आजकल इवेंट और खुद का जिम विम खुद पे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वीडियोज़ इतना ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो आज हम सोचे कि चलो ओरिजिनल कॉन्टेंट पर वीडियो बनाते हैं। और आज जो कॉन्टेंट हम जिसके साथ बनाने जा रहे हैं दैट इज सरप्राइज, जब वो आएंगे। सो अभी बने रहिए, सस्पेंस में रहिए कि हम किसके साथ ब्लॉग बनाने वाले हैं और रील्स बनाने वाले हैं। और मेरे फैंस लोग खुश भी हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट मी टू कॉलैब विद हिम। सो टुडे वी आर गोइंग टू कॉलैब। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो गाइस, आज हम आपको बताए थे कि हम किसी के साथ आज कॉलैब करने वाले हैं, वो है ठगेश। हाय। और ठगेश जी को आप डायरेक्ट मेरे किचन में देख रहे हैं। हाँ। क्या बोले, अभी हम लोग चाय जा रही है। चाय बना रहे हैं। किसी बैक कैम घुमा दो। अच्छा, चाय बना रहे हैं। कट कर देना प्लीज। और अभी हम लोग 2 कंटेंट शूट कर चुके हैं, राइट। अभी तीसरा करने वाले हैं। और मेरा मेन टाइम पे एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा यार, विच इज रियली वेरी एम्बैरेसिंग। मेहमान घर में आए हैं और चाय का डर लग रहा है। कोई नहीं, आप पकड़िए थोड़ा सा। मैं पकड़ता हूं। देखो एकदम बॉर्डर पे आ गया, एकदम करेक्ट वाला चाय है ना, एकदम कड़क वाला। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। हां देखिए, आप भी यहाँ पे लाइट अच्छी है ना। हाँ, वाव। Just looking like a wow. मनीषा रानी ऐसे जल्दी चाय वाय नहीं बनाती है। मनीषा रानी के लिए एक आदमी है, ब्लॉग के लिए भी मैं हूँ। ब्लॉग करने एक आदमी रखा है। अच्छा, मुझे लगा आप ऐसे कुछ बोल रहे हैं। मनीषा रानी का एक आदमी मेरे को पता ही नहीं, मेरा आदमी इसको कैसे पता चलेगा। आप देखेगा कैसी है, टेस्टी। ठगेश बोले चलेगा, जी लगाना जरूरी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, इतना वो तो बुढ़ा तो आप बोल रही है। वही आई थिंक वी आर डन विद दिस चाय। और हम बिहार से एक नमकीन और सेब बना के लाए थे। ओके, प्रिंस ये वाला थैला दो बाबू। ऐसा लग रहा है मैं बिग बॉस के घर में हूँ। तो बिहार से हम एक नमकीन और सेब बना के लाए थे, बनवा के लाए थे अपनी आंटी से, और वो हम आज ठगेश को खिलाने वाले हैं। ऐसे मत दिखाइए पन्नी। इसको काट देना जो भी एडिट कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं, कभी मेरा कुछ कटता भी नहीं है। सोच रहा था मंडे से डाइटिंग होगी, लेकिन मनीषा रानी हियर वी गो। अरे खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। ठगेश को बोल दीजिए मेरे को ना हेल्दी सेल्दी लो, खाते पीते मस्त, मतलब तगड़े अच्छे लगते हैं ना यार प्रिंस। क्या दुबला पतला ऐसे इतना भी नहीं चलेगा। देखो कौन बोल रहा है, देखो दुबला पतला की बात कौन कर रहा है। हाँ तो मुझे दुबला पतला लोग, मतलब हमको खुद भी, हम इतनी पतली है तो ठीक है यार, लड़की लोग तो थोड़ा फिगर चाहिए, बट लड़का लोग ऐसे हेल्दी सेल्दी अच्छा लगता है। और हम कभी हेल्दी भी हो जाएंगे तो आई लव दैट। हम फर्स्ट तुम चाहिए नहीं, मैं खाना खाऊंगा। है हां, चिकन रोटी है, ले ले निकाल लेगा अपने से। हां Let's go for the tea। अभी ये चाय पियेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि मनीषा रानी ने अच्छा कैसा चाय बनाया है। चाय बनाई अछूती। वो आगे के ब्लॉग में ये बताएंगे क्या बनाया है। गाइस, अगर कल से मेरे वीडियोस ना आए तो समझ जाना चाय कैसी थी। Let's go। हम अपने कैमरा में तो कतई जहर लग रहा है। हाय ऐसा तो ये सब लड़का लोगों को बोलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलते तो कोई, हम खुद ही तारीफ कर लेते अपना। अभी ठगेश से पूछा जाएगा कि उसको चाय कैसा लगा, सॉरी चाय के साथ ये नमकीन बताइए। बहुत टेस्टी लगा है। देखो नमकीन सेब ये है, ये है बिहार का होममेड नमकीन और सेब जो मेरी आंटी ने बनाया है। और इनको मैं बताई हूँ, एक सेकेंड। हाँ अब खाइए और बताइए कैसा लगा। अब तारीफ कीजिएगा। ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। बहुत टेस्टी लग रहा है, मजा आ रहा है। इसका ना धंधा खोलना चाहिए इनको, एक दुकान डालनी चाहिए ये चीज की। जल्दी हम एक चाय का दुकान खोलने वाले हैं जिसमें हम और ठगेश मिल के साथ बिजनेस करेंगे। MBA मनीषा रानी, फाइनेंस ये करेंगे। और झलक आप जीत के आई हो, मैं क्यों फाइनेंस करूं? अच्छा, मेरे को करना पड़ेगा क्या? झलक का विनिंग अमाउंट अभी तक आया नहीं है। अभी तक आया नहीं, कट के आएगा ना वो तो। आधा काट लेंगे वो लोग। देखो ये रियलिटी है गाइस, तुम लोगों को लगता है ना, कि बरसात हो रही है इधर। देखिए असल में बरसात वही उसी के साथ होता है जिसका बॉयफ्रेंड बहुत करोड़पति हो, और मेरा तो ना करोड़पति है ना ही बॉयफ्रेंड है। आप समझ सकते हैं मेरा तकलीफ, समझ सकते हो। मेरा भी ना बॉयफ्रेंड है। यही तो जोक था यार। अच्छा ये जोक था। I took it seriously. It's okay. Guys, we're English. No issues. That. Oh my God, the way he is speaking. Yeah, the way I speak, British accent. Okay, yeah. I'm trying these days to speak fluent. आज हम बना रहे हैं फ्राई राइस खुद से। वैसे तो मेरे घर में मेड आंटी आती है खाना बनाने के लिए, लेकिन आज अभी बज रहे 8 और हमको अचानक से लग गया भूख। Craving हो रही थी, right? Am I right? So I was feeling like eating something. So I'm making. Sorry, हो जाता है, इंग्लिश बोलने लगता है, ये सब होता है। हाँ, तो इसमें अभी हम क्या ऐड किए और कैसे बनाएं बताते हैं। पहले तो हम ब्राउन राइस लिए हैं, ठीक है। ब्राउन राइस में मैंने दिया है अंडा। सबसे पहले हम लोग, और आपको पता हम ऐसे डाइट वाइट इतना ज़्यादा नहीं करते, बट इन दिनों कल से, मतलब कह सकते हैं कि आज से, ये ऑलिव ऑयल है, इसको सबसे पहले थोड़ा डालें। क्या बात है। उसके बाद लाल मिर्च डालें, ये वाला लाल मिर्च दिखाते हैं। कौन वाला लाल मिर्च है? ओ मैन, वेयर इज द लाल मिर्च मैन? इंग्लिश बोल रहा है तो सब कुछ डोल रहा है। हाँ, ये वाला लाल मिर्च हम डालें, सूखा लाल मिर्च इसको कहते हैं। उसके बाद थोड़ा जीरा डालें, 3 अंडा डालें, उसको मिक्स किए। उसके बाद फिर हल्का जीरा पाउडर डालें। उसके बाद फिर उसमें ब्राउन राइस दिए हैं, पनीर का पीसेस है, और उसके बाद मिक्स कर रहे हैं। और अब हम ऊपर से डाल रहे हैं 1 चम्मच घी, और वो भी ये है देसी घी, बिहार का घी जो हम बिहार से लाए हैं। और घी मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब हर खाने में अगर मुझे घी मिल जाना तो मजा आ जाता है। हाय हाय, इतना सुकून। स्पेशली जैसे दाल में, मैगी में, ऐसे जब हम फ्राई राइस करते तब ये सब टाइम मुझे अगर घी मिल जाए तो आहा, पूछिए मत, मजा आ जाता है। और जैसे कि कल ठगेश आए थे, इंग्लिश एज यू नो, ठगेश वाज, अरे कल आए थे, he had come yesterday. As all you know guys, Thugesh has come yesterday. Had, boy, yeah, he has a had. English is a very funny language. But once you start speaking, then you will going to love it. Yeah. So, जैसे कि कल ठगेश जी आए थे और उन्होंने ठगा नहीं, होपफुली। He is a nice person. अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि कल हम लोग शूट में इतने बिजी हो गए थे कि फिर एक उधर ब्लॉग शायद एंड नहीं कर पाए और आप लोगों को बता ही नहीं पाए कि कैसा लगा उनके साथ शूट करके। बट लेट मी टेल यू गाइज, मुझे ठगेश के साथ काम करके, उनके साथ शूट करके, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ नाइस पर्सन। आई थिंक हमारा जो कंटेंट आने वाला है होपफुली आप लोग को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ना ओरिजिनल वीडियो नहीं बनाए थे, तो हम सोचे कि चलो बना लेते हैं कुछ, आप लोग को भी पसंद आएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। घर में लोग क्या ही करता है, थोड़ा कम सुंदर लगेंगे तो मैनेज कर लीजिएगा। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। दिल का सुंदरता देखिए, दिल का चेहरा कब तक काम आने वाला है? 50 के बाद ढले जाना है, वो भी सेलिब्रिटी लोग। नॉर्मल लोग तो 30 के बाद ढल जाता है, इसीलिए तो हम वही बोल रहे हैं कि आप लोग दिल देखिए, मेरा दिल। वो गाना था ना, कौन सा गाना यार? दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। फ्राइड राइस ईडी लगेगा। ओके, सो आई फाइनली माय फ्राइड राइस इज रेडी एंड आई एम गोइंग टू ईट दिस। खाने वक्त बताएं आपको कि कैसा लगा। और आज काजल को भी खिला रहे हैं, माय मैनेजर काजल आई है दूसरे, तो उसको बताते हैं कि वो बताएगी कि कैसा लगा। ओके ठीक है काजल, खाना और बताना। वाओ गाइज वाओ, बता नहीं सकते हम। अभी हम लोग नेटफ्लिक्स स्टार्ट किए हैं और हम लोग घर में देखने वाले हैं और सच्ची बता रहे हैं ये इतना यमी है ये फूड और इतना हेल्दी है क्योंकि इसमें पनीर है, अंडे हैं, ब्राउन राइस है और ऑलिव ऑयल में बना है। सो दिस इज़ वेरी हेल्दी एंड यमी। काजल खाओ, खा रहे। और हम लोग कोक भी डाइट कोक पी रहे राइट, बहुत मज़ा आने वाला। देखिए तो भी ले मेरा अच्छा लग लो ऐसे देता ना। So guys, let me tell you, this is very healthy, super healthy and super tasty at the same time, जो कि रेयर होता है। जब आप कुछ हेल्दी चीज़ खाते हैं तो वो बहुत ही अनडिलीशियस होता है, सही है ना? अनडिलीशियस नहीं होता कोई वर्ड, नहीं होता अनडिलीशियस कुछ वर्ड नहीं होता। जा सर अपना लॉन्च कर दिया। ओ माई गॉड मनीषा, आई एम सुपर टैलेंटेड, इतनी इंटेलिजेंट है, साला इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश लॉन्च भी कर रहे हैं। डेलीशियस होता है, डेलीशियस डेलीशियस होता है और हम अनडेलीशियस बोलते हैं क्योंकि हैप्पी तो अनहैप्पी होता है, इतना तो हम पढ़े थे तो हम सोचे डेलीशियस तो अनडेलीशियस होगा तो इसलिए सॉरी हम बोल दिए कि अनडेलीशियस रहता है लेकिन ये बहुत टेस्टी है। वाओ, रोज बनाएंगे घर में। आई एम हैविंग दिस फ्राइड राइस विद कोक डाइट कोक यार। I am having this fried rice with this diet coke, yes. And I love this, or we are going to watch one movie or web series. Let us find out what we'll watch. What we will watch. Correct. बहुत इंग्लिश बोलती है guys, done for the day. आज बहुत इंग्लिश बोले हैं और फिर और इंग्लिश बोलेंगे। अभी हम लोग खा लेते हैं।